नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक फॉर मनी यूट्यूब चैनल पर। बात करने जा रहा हूं प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के एक मार्केट लीडर कंपनी, नंबर वन कंपनी, और कंपनी का नाम है सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखा जाए तो इस कंपनी के शेयर्स में दोस्तों एक जबरदस्त गिरावट यहां पर दिख रहा है। लगभग 350 से 400 पॉइंट की गिरावट अपने 52 वीक हाई से कंपनी दिखा चुका है। अगर आने वाले समय में ऐसा लगातार गिरावट दिखाता है दोस्तों, एक अपॉर्चुनिटी होगा, इसमें आप आराम से खरीदारी करके चलना चाहिए। अगर दोस्तों आपके पास पहले से ही ये कंपनी है तो बिना डरे इसमें ऐड करके आप चल सकते हैं। डिटेल में कंपनी के ऊपर बात करेंगे क्योंकि कंपनी जबरदस्त है, एक बेहतरीन फंडामेंटल वाली कंपनी है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग बिजनेस है इसके पास, एक जबरदस्त डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के साथ काम करते हुए दिखता है। और अगर हम फ्यूचर आउटलुक की बात करेंगे तो मैनेजमेंट की ओर से एक पॉजिटिव वाली कमेंट्री भी निकल के सामने आ रहा है। पहले कंपनी का जो रिजल्ट पेश किया है इसको देखेंगे, इसके बाद कमेंट्री को देखेंगे दोस्तों, और इसके बिजनेस को भी हम डिटेल में देखेंगे। तो पहले आइए, कंपनी जो रिजल्ट पेश किया था क्वार्टर टू का, ये कैसा था इसको थोड़ा सा पहले हम देख लेते हैं। अगर हम बात करेंगे, देखिए कंपनी का टोटल इनकम यहां पर निकल के आ रहा है 1932 करोड़ क्वार्टर टू FY 2022 में। अगर हम बात करेंगे क्वार्टर वन की, ये कितना था 1346, इसमें देखिए 43.54% की ग्रोथ दिखेगा। नेट प्रॉफिट में 34.41% की ग्रोथ कंपनी दिखाया है। ईपीएस देखिए 13 रुपया से बढ़ के 18 रुपया Q1Q बेसिस पे यहां पर नजर आएगा। रिजल्ट को अगर हम Y1Y बेसिस पे देखेंगे, यहां पर देखिए टोटल इनकम में 40.27% की बढ़त है। नेट प्रॉफिट देखिए 30.73% है। ईपीएस देखिए अब 30.72% की यहां पर बढ़त नजर आएगा। बहुत Q1Q और Y1Y बेसिस पे कंपनी यहां पर बढ़िया नजर आ रहा है, बढ़िया रिजल्ट दिखाया है। अगर हम हाफ ईयर एंड की बात करेंगे, ये देखिए 2021 6 मंथ के बाद कितना था 2433.65 करोड़, इसमें 34.74% की बढ़त दिखा के कंपनी का टोटल इनकम हो गया 3,279 करोड़ दोस्तों। अब के 6 मंथ के बाद नेट प्रॉफिट में देखिए 85.11% की ये आपको ग्रोथ दिखाया है। ईपीएस में भी बढ़िया बढ़त आफ्टर 6 मंथ दिखेगा। रिजल्ट को दिखाने का मकसद ये है दोस्तों, कंपनी हर पैरामीटर पे यहाँ पर खड़ा उतरा है और इसका बिजनेस बढ़िया चल रहा है। आफ्टर कोविड देखिए कंपनी जैसे क्वार्टर टू में अपना जैसे नॉर्मलाइज सब होता हुआ दिखा, तो ये देखिए कंपनी अपना जो है रिजल्ट को भी सही कर दिया। नेक्स्ट अगर हम जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है इसके ऊपर चलेंगे और इन्होंने क्या कहा है देखिए, इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा नजर डालेंगे। ये देखिए द टोटल कैपेसिटी एज ऑन 31 मार्च 2021 कितना था 6,97,000 मैट्रिक टन। ये आप देख पा रहे हैं टोटल कैपेसिटी इसका इतना था, बट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर द मैनेजमेंट एक्सपेक्ट टू इंक्रीज द सेम टू 7,50,000 MT। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, मैनेजमेंट देखिए काफी बुलिश नजर आ रहा है, पॉजिटिव बिजनेस को देखते हुए ये पॉजिटिव यहां पर नजर आ रहे हैं। हर सेगमेंट में कंपनी का जो कैपेसिटी है यहां पर बढ़ने वाला है। पहला है प्लास्टिक एंड पाइपिंग में भी बढ़ेगा, और अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इसमें भी देखिए 80,000 MT करने वाले हैं। पैकेजिंग प्रोडक्ट में देखिए 88,000 होने वाला है, और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में भी ये कंपनी अपना जो है कैपेसिटी को बढ़ाते हुए जो है इस एंड इस ईयर के लास्ट तक दिखेगा। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, द मैनेजमेंट एंटिसिपेट्स वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3%, वॉल्यूम में भी इनका ग्रोथ दिखेगा इन FY 2022। इन पाइपिंग सिस्टम इट इज एक्सपेक्टिंग सस्टेनेबल मार्जिन ऑफ 16%। अपलोड देखिए 16% मार्जिन भी कंपनी दर्ज करने जा रहा है, ये इनका कमेंट्री है। द कंपनी इज पुटिंग अप प्लांट्स एट गुवाहाटी, कटक एंड एरोड, ऑल दीज प्लांट्स विल बी ऑपरेशनल बिटवीन January to March 2022। देखिए आने वाले 2-3-4 महीने में सब कुछ देखिए कंपनी ये जो प्लांट है ये भी चालू होते हो जाएगा दोस्तों, यहां से भी प्रोडक्शन होना
इसको इसका चालू हो जाएगा इन द कंपोजिट सिलेंडर डिवीजन। इस डिवीजन में भी देखिए इंक्रीजिंग एक्सेप्टेंस फ्रॉम डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट, दोनों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट से भी एक्सेप्टेंस यहां पर इस डिवीजन में ही कंपनी का बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। इन द प्लास्टिक पाइप सेगमेंट यहां पर क्या हो रहा है, देखिए द डिमांड फ्रॉम द हाउसिंग सेगमेंट हैज अराइव्ड रिवाइव्ड। देखिए हाउसिंग सेगमेंट में जो डिमांड सुस्त हो गया था यहां पर, यहां से भी डिमांड आते हुए आपको दिखेगा। डिमांड फ्रॉम नल से जल प्रोजेक्ट आर एक्सपेक्टेड टू कम इन सेकेंड हाफ ऑफ FY 2022। देखिए इस नल से जल जो गवर्नमेंट का एक स्कीम है दोस्तों, यहां से भी कंपनी को और भी डिमांड आते हुए दिखेगा। ये सब तमाम अगर हम बातों को देखेंगे दोस्तों, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये आने वाले समय में और भी पिछड़ेगा। ये भरपूर दोस्तों यहाँ पर जो स्कोप है इसको आराम से भुनाने की कोशिश करेगा, इसलिए आपको डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आराम से इस कंपनी में आप एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे दोस्तों थोड़ा सा बिजनेस के ऊपर, तो एक तगड़ा बिजनेस करता है ये, देखिए प्लास्टिक पाइपिंग डिवीजन में भी ये कंपनी देखिए पूरा एक्टिव है। ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ये देखिए ये बनाता है, पैकिंग प्रोडक्ट्स में भी जबरदस्त काम करते हुए आपको दिखेगा, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में तो ये दोस्तों मार्केट लीडर कंपनी है ही है। अगर हम डिटेल में प्रोडक्ट को देखेंगे, ये देखिए प्लास्टिक पाइपिंग सिस्टम तमाम जो दोस्तों इरिगेशन में जो यूज होता है पाइप, घर में जो यूज होता है ये कंपनी बनाते दिखता है। वाटर टैंक, टॉयलेट्स में पाइप यूज होता है। इसकी अगर हम जो कस्टमर्स देखेंगे कहाँ कहाँ से इनके कस्टमर्स हैं, ये यहाँ पर देखेंगे पोर्टेबल वाटर सप्लाई वाले इसको खरीदते हैं, इरिगेशन के लिए यूज होता है, सीवेज एंड ड्रेनेज हाउस में जो हम बनाते हैं घर में जो उसको ड्रेनेज ये है यहाँ से भी आता है, प्लम्बिंग सैनिटेशन, इंडस्ट्रियल पाइप सिस्टम, फायर स्प्रिंकलिंग सिस्टम, नल से जल, ये हाउस होल्ड, ये तमाम इनके जो है जो इस सेगमेंट से कंपनी का जो है रेवेन्यू आते हुए आपको दिखता है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जनरली ये फर्नीचर चेयर वगैरह बनाता है, यहाँ पर भी इसका यहाँ से रेवेन्यू आते हुए आपको दिखेगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की अगर बात करेंगे, ये देखिए कैटर्स, पेटल्स, बीन्स, डस्टबिन्स, कंपोजिट LPG सिलेंडर इसका ये मैन्युफैक्चर करते हुए आपको दिखेगा। पैकेजिंग प्रोडक्ट्स में कंपनी बनाता है, देखिए स्पेशलिटी फिल्म्स जो टारपोलिन वगैरह ये कंपनी बनाता है, जहाँ से एक कंज्यूमर एप्लीकेशंस में काम आता है। फूड इंडस्ट्री इसके कस्टमर हैं, स्पोर्ट्स गुड्स, इंसुलेशन, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल्स, एग्रीकल्चर, फॉली ये देखिए हॉर्टिकल्चर, ग्रेन स्टोरेज, ये आप देख रहे हैं जो तमाम यहाँ से इंडस्ट्री से इसके यहाँ पर डिमांड आते हुए आपको दिखेगा। प्लास्टिक पाइपिंग डिवीजन में देखिए ये लीडिंग है। यहाँ पर अगर एस्टिमेटेड मार्केट साइज की बात करेंगे, ये देखिए 42,000 करोड़ से दोस्तों यहाँ से कंपनी 10% मार्केट शेयर इसका है। कंज्यूमर और प्रोडक्ट फर्नीचर में भी बेहतरीन काम करते हुए दिखेगा। एस्टिमेटेड मार्केट साइज कितना है, 2,750 करोड़, इसमें कितना मार्केट शेयर है कंपनी का, 14% यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट अगर देखें प्रोटेक्टिव पैकेजिंग प्रोडक्ट्स की अगर बात करेंगे, इसमें भी कंपनी जो है मार्केट लीडर नजर आता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के सेगमेंट में देखिए यहाँ पर 2000 करोड़ का यहाँ पर टोटल मार्केट साइज है, जहां से 12% का मार्केट शेयर ये कंपनी आपको एक्वायर करते हुए नजर आएगा। देख पा रहे हैं आप 25 लोकेशन में इसका प्लांट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट है और दोस्तों बिजनेस भी इसका बेहतरीन चलते हुए नजर आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कंपनी की प्राइस परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर हम सीधे मनी कंट्रोल वेबसाइट में चलेंगे। कंपनी देखिए अब जो है 2,299 रुपया में चल रहा है, और इसकी 52 वीक हाई की अगर बात करेंगे, ये 2,693 रुपीज, लगभग 390-400 रुपया का यहाँ पर गिरावट अभी हो चुका है दोस्तों। इसकी अगर हम रिटर्न प्रोफाइल को देखेंगे, यहाँ पर देखिए कंपनी पिछले 3 साल में 129.79% का रिटर्न है। पिछले 1 साल की अगर बात करेंगे 65%, ईयर टू डेट देखिए जनवरी से लेके दोस्तों यहाँ पर अक्टूबर नवंबर के बीच 41.05% की रिटर्न दिखेगा। इसकी अगर हम डिलीवरी परसेंटेज को देखेंगे, 1 महीने की एवरेज डिलीवरी आप देख पा रहे हैं 64.94% की यहाँ पर निकल के आ रहा है। अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे, यहाँ पर देखिए सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखिए 90.89
80% के यहाँ पर जो है दोस्तों डिलीवरी उठाया गया है। जैसे कि शेयर में गिरावट आया, लोग यहाँ पर देखिए खरीदारी करते हुए नजर आते हैं और खरीद के अपने डीमेट में रख लिए हैं दोस्तों, क्योंकि कंपनी बढ़िया है, बेहतरीन फंडामेंटल वाली कंपनी यहाँ पर नजर आता है। नेक्स्ट आइए कंपनी के और कुछ पॉइंट के ऊपर नजर डालेंगे। कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है ईयर वाइज देखेंगे दोस्तों, क्योंकि एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमको हर टाइम कंपनी के जो नंबर्स को ईयर वाइज ही कंपेयर करना चाहिए। 2017 में 4,462 करोड़ है आया था और देखिए 2021 में बढ़ के 6,357 करोड़ यहाँ पर दर्ज होते हुए आपको दिखेगा। 2021 में हाईएस्ट नेट प्रॉफिट 832 करोड़ का कंपनी यहाँ पर दर्ज करते हुए नजर आ रहा है। ईपीएस देखिए बढ़ के 77 रुपीज यहाँ पर पहुंच गया है दोस्तों। बात करेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, 48.85% की होल्डिंग प्रमोटर रखते हैं, कोई भी शेयर इनका प्लेस होता हुआ अभी नहीं दिख रहा है। FII 10.38% की होल्डिंग है। DII के पास देखिए 25.3% की होल्डिंग आपको दिखेगा। बाकी जो है 15.48% की होल्डिंग पब्लिक रखते हुए आपको दिखेंगे। बात करेंगे कंपनी का जो बैलेंस शीट है इसके ऊपर, देखिए टोटल रिजर्व एंड सरप्लस 2,843 करोड़, भरपूर रिजर्व है। लॉन्ग टर्म में कोई भी कर्जा नजर नहीं आ रहा है, शॉर्ट टर्म में जीरो कर्जा, सिर्फ 61 लाख का दोस्तों लॉन्ग टर्म में कर्जा अब मौजूद कंपनी के पास है। कैश देखिए 766 करोड़ का कैश अपने हाथ में रखता है। टोटल एसेट बढ़ के 3,982 करोड़ यहां पर पहुंच गया है। देखिए दोस्तों कंपनी अच्छा है, थोड़ा बहुत गिरावट तो यहां पर आएगा क्योंकि कंपनी भाग चुका था। ऐसे में इसको आप अपॉर्चुनिटी समझ के इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। आने वाले समय में आपको एक बेहतरीन रिटर्न ये कंपनी बना के देगा दोस्तों। बाकी इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है ये वाला कंप्लीट डिसीजन तो आपके खुद का है। बस दोस्तों आज के लिए इतना था। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।